सभी गुरुवर को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस की स्टडी या एनवायरनमेंट साइंस की स्टडी, जो कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी किताब है आसपास, उसका अध्ययन करेंगे हम। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें लेकर चलें, कोई चीज़ छोड़ें ना। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 3 की एनसीईआरटी की आसपास से। देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले ही मैंने बात की है कि कोई भी बुक पढ़नी हो तो उसका जो टीचर के लिए जो शब्द होते हैं वो पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि पैडागोजी में इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जरूरी होता है कि आप उसका सिलेबस भी ठीक से देख सकें। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं आमुख क्या कहा गया है इस किताब के बारे में, या इसके इसे स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें जरूरी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट कर दी हैं, फिर भी पढ़ेंगे सारा ही, कम से कम सिलेबस तो हम सारा देखेंगे ही। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी 2005 क्या सुझाती है ईवीएस के बारे में, कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित था बाल केंद्रित व्यवस्था, तो बाल केंद्रित व्यवस्था का जिक्र कहाँ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अच्छा, इस प्रयत्न की सफलता इस बात पर निर्भर है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। मतलब सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है, ईवीएस की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है, कि अध्यापक जो कल्पनाशील गतिविधियां हैं उसमें कितना शामिल करते हैं बच्चों को, या बच्चों को सीखने और सीखने के दौरान अनुभव पर विचार करने कितना अवसर देते हैं। मतलब बच्चे को सीखने का अवसर दें, बच्चे को सीखने के द्वारा जो उस पर सीखने के दौरान जो उसके अनुभव हुए हैं उन पर विचार करने का अवसर दें। मतलब वही है कि आप उसका अनुभव जो है उसका पुनर्निर्माण करें और अनुभव से उसे रिजल्ट निकालना सिखाएं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, ये हमें मानना होगा। ये कहती है एनसीएफ, और बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं, इन्हें उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। मतलब ज्ञान का निर्माण बच्चे में खुद कराएं आप, उन्हें केवल आप ज्ञान की निर्धारित खुराक न दें। मतलब आपने केवल डाटा दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को खुद ही ज्ञान अर्जित के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशाली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती। अच्छा, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितना प्रभावी सिद्ध होता है। मतलब शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां कैसी होनी चाहिए जिससे मानसिक दबाव कम हो बच्चे का और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराए, इस तरीके की शिक्षण विधि होनी चाहिए, इस तरीके का मूल्यांकन की विधियां होनी चाहिए। अच्छा, और दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब हुआ कि आपका जो वार्षिक कैलेंडर है ना, उस हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट कराना। मतलब जैसे हमारा सिलेबस है, हमारी स्कूल व्यवस्था ऐसी है
कि हमें साल का एक सिलेबस होता है कि पूरे साल में ये कंप्लीट कराना है। हमारा दैनिक बाज दैनिक भले ही आप बांट दो, आप भले ही डेली कैटेगराइज कर दो कि डेली इतना पढ़ाना है। जैसे मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मेन मकसद क्या है कि आपकी मई लास्ट तक सारी ईवीएस फिनिश करा दूँ। पर हालांकि मैं एक दिन में ही बांट लूंगा कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, पर उसमें लचीलापन होना जरूरी है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आज इतना पढ़ाना ही पढ़ाना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ेंगे तो आप उद्देश्य से भटक सकते हैं, या मतलब कहीं गहरा उतर गए, किसी और के बारे में चर्चा करने लगे, तो ऐसा लचीलापन हो सकता है। लचीलापन जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है, ये कहता है एनसीईआरटी। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए शिक्षण मूल्यांकन की विधियाँ? ऐसी होनी चाहिए जो स्कूल के जीवन स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में प्रभावशाली हो। ठीक है, अच्छा, बोध की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। मतलब ऐसे इस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया गया है कि बच्चे को ज्ञान के विभिन्न चरण इस तरीके से सिलेबस डिजाइन के बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। मतलब इस सिलेबस को जब डिजाइन किया गया है ईवीएस के, तो ऐसा सिलेबस रखा गया है जिससे बालक जो है अच्छे से सीख सके। बालक जिन चरणों से सीखता है उसी इन्हीं चरणों को प्रेरित किया गया है। अभी आप जैसे पाठ्यक्रम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विमर्श से छोटे समूह बातचीत बहस और हास्य की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। मतलब ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है, ईवीएस में जो शिक्षण विधियां हैं उनमें जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है कि आप सोच विचार को प्रेरित करें, विस्मय मतलब आश्चर्य ऐसी चीजें बताएं जिससे आश्चर्य हो और बच्चे उसके बारे में जाने। मतलब आप बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करें, छोटे समूहों में बातचीत कर सकें बच्चे, और बहस एवं हास्य की जाने वाली गतिविधि को प्राथमिकता देते हैं। मतलब ऐसी गतिविधि कराओ जिससे बच्चों में बहस हो और वो हास्य ज्यादा काम करें। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आप हमेशा उस तरीके से शिक्षण करेंगे जिस तरीके से बच्चे की ज्ञानेंद्रियां अधिक से अधिक सक्रिय हों। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियां कराएं जिससे बच्चा अपने हाथ से करे। ठीक है, एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यक्रम, चलो ये तो कोई बात नहीं, तो थैंक यू है बस। तो ये हो गया आपकी आमुख बात, बाकी बात कर लेते हैं अब दो शब्द अध्यापकों और दो शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से। मतलब शिक्षकों के बारे में ये पुस्तक क्या कहती है कि कैसा शिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कथित उद्देश्य को एक राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, ये ठीक है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट आउट करा है ना, ये देखो जो भी पीले से हो ना, जो भी हाईलाइटेड हो, उसे जरूर याद रखना क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, भागों में नहीं। मतलब 3-4-5 के जो बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। समग्र मतलब एक साथ रूप में देखते हैं, भागों में नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि मान लो कोई चीज किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, पेड़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि पेड़ जो है वो बायोलॉजी का है और इसके अंदर केमिस्ट्री है। उन्हें सिंपल पेड़ पता है, बायो केमिस्ट्री क्या है उन्हें नहीं पता, और ना वो इस बारे में जानना चाहते हैं। यह मानव की बात करेंगे तब भी, मतलब कोई किसी भी चीज को अगर वो जानते हैं तो समग्र रूप में देखते हैं, भागों में तोड़कर नहीं देखते हैं। इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते। अतः आवश्यक समझा गया कि पुस्तक में बच्चों के परिवेश को, प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उपविषयों की सूची लेने बजाय ऐसी विषय प्रस्तावित करता है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हों। जैसा कि मैंने ईवीएस पेडागोजी की मैंने पहली जो ईवीएस पेडागोजी की जो मैंने पहली लेक्चर बनाया है उसमें मैंने डिस्कस करा है कि किस प्रकार से इन्होंने
उप विषय में डिवाइड किया, जिसने नहीं देखा हो वो यहाँ क्लिक करके देख लेना आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी। तो बस वही समझाया गया है, चलो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कितनी थीमें हैं या कितनी उप विषय हैं? 6 उप विषय हैं पाठ्यक्रम को। नया पाठ्यक्रम 6 थीमों में बांटा गया है, परिवार एवं मित्र, ठीक है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, चलो वो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इस पाठ्यपुस्तक इस तरह से लिखी गई है, पाठ्यवस्तु में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। पाठ्यपुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ईवीएस की किताब कैसी है, इसकी भाषा कैसी है, तो उसमें ऑप्शन होगा कि इसमें परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्ययों को स्थान नहीं दिया गया है। ये ध्यान देना, अमूर्त प्रत्ययों को स्थान नहीं दिया गया है। क्यों ध्यान स्थान नहीं दिया गया है? क्योंकि 3, 4, 5 का जो बालक होता है वो मैक्सिमम 9-10 साल का होता है, और अमूर्त संप्रत्यात्मक अवस्था जो आती है वो 11 प्लस के बाद आती है, यानी 12 से आती है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 12 वर्ष से बाद में शुरू होती है, तो इसलिए अमूर्त प्रत्ययों को 3, 4, 5 की ईवीएस में स्थान नहीं दिया गया है। सारी मूर्त चीजों की बात की गई है। मूर्त चीजें वो होती हैं जो हमारी आंखों के सामने उपलब्ध होती हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ठीक है। अमूर्त चीजें वो होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, मतलब हम कल्पना करते हैं, ठीक है। तो अमूर्त प्रत्ययों को स्थान नहीं दिया गया, परिभाषाएं नहीं रटाई गई है, वर्णन नहीं दिया गया है। प्रयास किया क्या गया है कि बालक बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिले, इस प्रकार का प्रयास किया गया है। मतलब उसे कुछ समझाना भी है आपको, तो आप जैसा आप ईवीएस की आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि अपने माता पिता से पूछने पर बल दिया गया है, दादा दादी से पूछने पर बल दिया गया है। ऐसे पढ़ाने की कोशिश की गई है कि बच्चा खुद जिज्ञासु बने, इसका किताब का काम यही है। पाठ्यपुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है, वास्तविक चुनौती यह है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्न करें और प्रयोग कर सीखें। मतलब इसका क्या कहते हैं एनसीएफ के अनुसार इसका क्या उद्देश्य हो गया? इसका उद्देश्य हो गया कि अपने विचार प्रकट कर सकें, ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य उत्सुकता बढ़े और करके सीखें, प्रश्न करें और प्रयोग कर सकें, ठीक है। बच्चे पाठ्यपुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों को प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानी, संवाद, कविताएं, पहेलियां, हास्यखंड, नाटक और क्रियाकलाप, ताकि बच्चे इससे जुड़े रहें। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्र को आसानी से जोड़ सकते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। ये क्वेश्चन आ जाता है, आया भी है कि क्या कहते हैं ईवीएस की पाठ्य पुस्तक जो है उसकी भाषा कैसी है? औपचारिक है? नहीं, भाषा औपचारिक नहीं है। कैसी है भाषा? बच्चों की बोलचाल की भाषा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ध्यान करने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने क्या कहते हैं ये हाईलाइट कर दिया है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों को क्रियाशील होना जरूरी है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चारदीवारी से बाहर से जोड़ा गया है। पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे इनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशल का विकास होगा। तो अवलोकन के लिए क्या कर सकते हैं आप? बाग बगीचों में, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जा सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक हैं। इसमें जो क्रियाकलाप है वो बाध्यकारी नहीं है कि आप वो क्रियाकलाप कराएं जब आप ईवीएस का शिक्षण कराएंगे, तो ये बाध्यकारी नहीं है, केवल सुझावात्मक है। इसमें लचीलापन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रियाओं व प्रश्नों को पाठ के अंत में न देकर उन्हें पाठ का हिस्सा बनाया गया है। अतः अध्यापकों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। स्थानीय परिवेश में जो चीजें उपलब्ध हैं उसके अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं आप।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अगर किसी फूल का जिक्र हुआ या उन्होंने गुलाब का जिक्र करा, गुलाब का अवलोकन की बात कही अगर किताब में, और आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप कोई जरूरी नहीं गुलाब का अवलोकन कराएं, आप गेंदे के फूल का भी अवलोकन करा सकते हैं, उस हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर और एक बात और है कि ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्रियाओं एवं पास प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। तो ईवीएस के शिक्षण के साथ साथ बच्चे अवलोकन सीख जाएंगे, खोज सीख जाएंगे, वर्गीकरण करना सीख जाएंगे, प्रयोग करना सीख जाएंगे, चित्र बनाना सीख जाएंगे, बातचीत करना सीख जाएंगे, अंतर ढूंढना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उनमें क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा, ठीक है। अपने हाथों से करेंगे तो क्या होगा, क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। तो देखो भैया, जो इसके विस्तृत उद्देश्य हैं ईवीएस पढ़ाने के बहुत सारे हो गए, जैसे क्रियात्मक कौशलों का विकास, ठीक है, सृजनात्मकता का विकास, रचना करने का कौशल और सौंदर्य बोध, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात और बताता हूँ, सौंदर्य बोध जो है ये जो है भाषा का भी एक बड़ा उद्देश्य होता है। सौंदर्य बोध मतलब जब आप भाषा सिखाते हैं तो भाषा का लास्ट स्टेज क्या होती है, मतलब जब आप प्राथमिक स्तर पर तो केवल यही होता है कि आप नंबर एक बात कि आप अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकें, ठीक है, और नंबर दूसरा क्या होता है भाषा सिखाने का उद्देश्य, दूसरा होता है कि आप उसमें भाषा में चिंतन कर सकें, ठीक है, उस भाषा में सोच सकें, क्योंकि हर भाषा का चिंतन प्रणाली अलग होती है, तो उस भाषा में चिंतन कर सकें, ठीक है। ये तो हो गया भाषा का उद्देश्य प्राइमरी लेवल पर अगर आप बात करेंगे बड़े लेवल की, तो बड़े लेवल पर भाषा का उद्देश्य होता है एक सौंदर्य बोध, मतलब आप इस बात को मतलब इस बात पर बल दे सकें या इस बात को समझ सकें कि कविता में है क्या सौंदर्य है या किसी लेख में क्या सौंदर्य है। तो ये जो होता है सौंदर्य बोध जो होता है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है, भाषा का भी और ईवीएस का भी उद्देश्य है। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहयोगी होगी, साथ ही सही दिशा में चर्चा एवं सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज्यादा मददगार हो सकते हैं। पुस्तक में इस बात की काफी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें, ठीक है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये बात कोशिश की गई है कि परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें और से सीखे आदमी, केवल पाठ्य पुस्तक से ही ना सीखे। बहुत समय पहले की जानकारी एवं इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही योगदान भी बढ़ेगा, शिक्षक को भी बच्चों के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो डबल फोल्डेड काम हो गया, मतलब दोहरा फायदा हो गया, एक तो शिक्षक बच्चों के परिवार के बारे में जान लेगा तो उससे थोड़ा उसे अपनी शिक्षण विधि या अपनाने में थोड़ी शिक्षण विधि का चुनाव करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी और बच्चों को समझ सकेगा कि उसे क्या समस्या आ सकती है। चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो संबल सबसे एक बात तो है कि चित्र आकर्षित करते हैं, आकर्षण क्षमता बहुत होती है चित्रों में, ठीक है। कार्टून बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं, जैसा आपको बताइए लेखक दल ने ध्यान रखा है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हो, मतलब जो कमी लिखित कार्यों में रह गई हो, पूरक का मतलब क्या होता है कि उसे पूरा कर दे, जो लिखित कार्य में कमी रह गई है वो चित्र के द्वारा पूरी हो गई है, जो चित्र में थोड़ी कमी रह गई है वो लिखित कार्य के द्वारा पूरी की गई है। और चित्र इस तरीके से रखे गए हैं
कि वो प्रमुख चित्र की प्रकृति लिखित बातों का प्रतिबिंबित करे, मतलब लिखित बातों से संबंधित ही है। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही, साथ ही वे उनसे कुछ सीखे भी। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। चलो छोड़ो ये। पाठ्य पुस्तक में बच्चों को काम करने के विविध अवसर दिए गए हैं, जैसे अकेले में काम करेगा एक बार छोटे समूह में, बड़े समूह में काम करना। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों में बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। तो चित्रकला और शिल्पकला जो है उसे कब मजा आता है ज्यादा करने में, जब आप समूह में कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। शिल्पकला मतलब जो निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का निर्माण, मिट्टी से किसी चीज का निर्माण हो गया। चित्रकला तो आप समझते हैं चित्र बनाना। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वे उनसे प्रेरित भी होते हैं, अतः उनकी प्रशंसा की जाए। तो ईवीएस इस बात की क्या कहना चाहिए, ईवीएस का शिक्षण इस बात को बोलता है कि बच्चों में रचनात्मकता की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे खुश होते हैं और प्रेरित भी होते हैं, ठीक है। पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना तथा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो एनसीएफ क्या कहता है या ईवीएस क्या कहता है, ईवीएस का शिक्षण कैसा होना चाहिए कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, प्रश्नों और क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए। मतलब सबके लिए एक समय नहीं, थोड़ा सा असाइनमेंट में अगर आप दे रहे हैं, कोई असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई ऐसा होमवर्क दे रहे हैं या कुछ आप उसको सीखने का दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका और स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करें। मूल्यांकन कोई फोकस नहीं है कि ऐसे ही मूल्यांकन होगा, आप खुद डिसाइड करें। मूल्यांकन पर और समझ बनाने के लिए एनसीईआरटी ने एक स्रोत पुस्तक भी विषय पर तैयार की है, ठीक है, उसे पढ़ लें। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन के द्वारा की गई क्रियाओं में कक्षा में तथा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चाहिए और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अतः मूल्यांकन कहाँ कहाँ होना चाहिए, सतत मतलब जो हमेशा चलती रहती है। तो मूल्यांकन कहाँ कहाँ हो सकता है कि देखो आप अवलोकन कर सकते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछ सकते हैं, ड्राइंग बनवा सकते हैं, चित्रकारी करने को कह सकते हैं, समूह में चर्चा कर सकते हैं, करवाने के लिए कह सकते हैं, उसके दौरान मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर ही दिए हैं, अंत में नहीं। इसलिए जो क्रियाकलाप हैं और प्रश्न हैं वो पाठ के बीच में ही दिए हैं ताकि आप उस मूल्यांकन कर सकें। तो मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, जब आप पढ़ा रहे होंगे तभी आप अवलोकन करके प्रश्न पूछकर या समूह में चर्चा के दौरान उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के विकास में लेखक मंडल के सामाजिक क्रमबद्धता कि समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। चाहे वे भिन्नताएं शारीरिक क्षमताओं, आर्थिक स्थिति और हमारे व्यवहार के अंतर के कारण हो, ये सब चीजें हमारे रहन सहन, पहनाव के तरीके तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि में प्रदर्शित होती है। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इस भिन्नता की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना है। अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हों। मतलब आपको ये समझाना होगा बच्चों को कि भिन्नता हर समाज में होनी स्वाभाविक है, कोई भी समाज उसमें भिन्नता हो सकती है, पर हमें सबको साथ रहना है या अनेकता में एकता की बात आपको उसे समझानी है। लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा है अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। तो लेख जो ये एनसीएफ का जिसने सिलेबस डिजाइन किया है एनसीएफ ने, वो बोलता है कि अध्यापक भी ऐसा व्यक्ति है जो खुद ज्ञान का सृजन करता है और अपने अनुभव को बढ़ाता है। मतलब अध्यापक भी पढ़ाते पढ़ाते सीख रहा है, ऐसा एनसीएफ मांगती है, ये बोलती है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अध्यापक ऐसा व्यक्ति हो गया जो ज्ञान सृजन करता है और अपने अनुभव को बढ़ाता है। अठे पाठ्य पुस्तक को सीखने से सिखाने की सामग्री की तरह देखा जाना चाहिए जिसके इर्द गिर्द शिक्षक अपने पढ़ने पढ़ाने की क्रिया को संगठित करे ताकि बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु उससे जुड़े कौशल और सरोकार को
गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। मतलब ईवीएस कहाँ पढ़ाया गया है, गणित में और भाषा में, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा और गणित के ऐसे कई क्रियाकलाप दिए गए हैं जिससे जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को साइकोलॉजी में शामिल। तो एक और दो में नहीं है, एक और दो में नहीं है ईवीएस। ईवीएस कहाँ पढ़ाई गई है, ये और एक और दो में भाषा और गणित के साथ अलग क्लास, अलग जो है किताब नहीं है। और जिसे सीखना है ये एक दो की ईवीएस कैसे पढ़ाए, तो ईवीएस स्कूल थ्रो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड यो देख लेना, सीख जाओगे। कक्षा तीन में शिक्षण अधिगम की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप पढ़ेंगे तो इस विषय में आपको समझ बनेगी। पाठ्यपुस्तक में इस्तेमाल किए गए चिन्ह ये तो खैर छोड़ो, काम के नहीं है। तो भैया आगे आ गए पाठ आपके, आज इतना ही रहने देते हैं। सिलेबस की चर्चा की है, थोड़ा ज्यादा भी है और स्पीड भी थोड़ी ज्यादा रही है। कल से अब हम पढ़ेंगे पाठ डाल डाल पर, ताल ताल पर ये पाठ पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है ईवीएस पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा और आप भी बात करेंगे। मतलब आप तो कैसे जुड़ेंगे मुझसे, आप कमेंट बॉक्स में इससे ही जुड़ सकते हैं, प्रीमियर करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बात कीजिएगा और मैं आपका स्वाद का जवाब दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, घंटी जरूर दबा दें अगर किसी ने नहीं दबाई हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।